कैन लेके खड़े हो ये। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी, क्या है ये, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी चीज पनीर टिक्का सैंडविच, क्या है ये, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी पनीर टिक्का रेसिपी डिस्क। और ये खाली ब्रेड, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये उसमें काम आ जाएंगी ब्रेड क्रम्स के, या आप इस इन ब्रेडों का केक बना सकते हैं। और ये चावल, ये इसमें लगा के खाने हैं, चावल तो अलग है, तो वेस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पनीर टिक्का डिस्क, देख रहे हैं जैसे कैसे करारे हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर आया है, आप सबको खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही इजी रेसिपी है ये, इसके ऊपर से हमने चीज डाल के कितना यम्मी लुक आ रहा है, इसको गरम गरम आप सर्व करिएगा तो बहुत ज्यादा खाने में आपको पसंद आएंगे। और आप सबको हमारे ये रेसिपी अच्छी लगी तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। हमने हमारी कुकी को सेट कर लिया भैया, कोने कोने में जा रहे हैं, चुपके चुपके बातें कर रहे हैं ये, और तीसरी भी पहुंच गई। कोई मतलब नहीं है, उनको भी नया दिख रहा है ना, वो कुकी के साथ ही मजा आ रहा है, वो आई थी, वो मन वही है, वो ऑली बमा रहा है, शांत रह, ऑली शांत रह, ऑली एक बार का सर्दी कर लिया, अभी मेरे साथ सर्दी दौड़ोगा, अच्छी दोस्ती हो गई, तीन लोग अरे 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 वो काट रहा है ना उसे, पहले कुकी काटी थी, ऑलिव ज्यादा था, हाँ वो दांत वो होते हैं ना, ओ कुकी कुकी कैसा एक्टिंग कर दे रहा है सॉरी शिंजू नाम है कुछ और है, शिंजो अरे वो तो सब गायब हो गए, वो गए, वो बाहर बैठा है, वो के अंदर है, अरे 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 अटैक तेरे को ये तो ऐसी रहेगा पतला, वो पावरफुल होती है ये, उसको जितना पकाना उसके लगता है, हाँ वो तो सारे पेट के लिए, ये तो और पतला, अभी तो छोटा है, खदेड़ देगा बाद में ऑलिव कुकी को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पनीर टिक्का का मैरिनेशन, इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून, अब हम इसमें बाकी अपने सारे सूखे मसाले डाल लेंगे, ये हम डाल लें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा,
थोड़ा सा काला नमक, रोस्टेड बेसन, ये हम लेमन जूस ले रहे हैं, आधा हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी एक्स कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ये हमने दही का पानी निकाल दिया है और इसे पनीर बना दिया है और इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया है। आप घर की फ्रेश दही भी ले सकते हैं, बस पानी नहीं होना चाहिए उसमें। पानी होगा तो ये आपका मैरिनेशन खराब हो जाएगा, कम से कम दही में पानी हो। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स्चर, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, प्रॉपर तंदूर का वाला। ने देखिए पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, कैप्सिकम को भी छोटे छोटे उसमें कट कर लिया, अनियन को भी और टमाटर को भी, टमाटर की हमने सीड्स और इसका पल्प अंदर का निकाल दिया है, इसको भी छोटे छोटे उसमें कट कर लिया। अब हम इन सबको इसमें मिला देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या रह गया, इसको क्यों नहीं मिला रहा है। ये एक्चुअली मैंने मिंट पुदीना और मैंने धनिया का चटनी बना ली है, मतलब जो उसको पीस के सिलबट्टे में। ये है हमारी वाइट मेयोनीज, ये देखिए हमने इसको इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। टाइम नहीं पता चल गया, ये हमारे मैरिनेशन को 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेते, रिफाइंड डाल लेते हैं, तेल को अच्छे से गर्म होने दें, धुआं आने दें, अपना टेम्परेचर गर्म ना करें, गर्मी बहुत है तभी टेस्ट आएगा। देख रहे हो जैसे कितना सुंदर कलर आया है, मल्टी वेजिटेबल्स डाली है, मल्टी सब की करके दिया है, सब डालेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। फालतू लोगों की बातों में ध्यान ना दें, इग्नोर करें, सिर्फ मेरी रेसिपी पे और मेरी वॉइस में, मेरी बातों में ध्यान दें। रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी तो कहां से आएगी। अब ये बंद कर लो, अब हम अपनी डिस्क रेडी कर लेते हैं। ओह माय गॉड, डिस्क। इसके लिए हमने लिए सैंडविच ब्रेड, ये बड़ी आती है, इतनी बड़ी, इससे बड़ी भी आती है, इससे बड़ी तो ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी, आपके पास कटर है तो आप कटर से करिएगा, हमारे पास नहीं है इसलिए हम कटोरी से कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर गोला आया है। अब इसी से छोटा साइज ले लेंगे एक और, ये मसाले का ऑयल हमारा चाहिए रेडी आराम से छटकेगा। तेल ना तोड़े आप इसको, मीडियम गैस में तोड़ दें। ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, देख रखें इसने जगह जगह तेल छोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। मिंट मेयोनीज को अच्छे से डिस्क में स्प्रेड कर लेंगे, इसकी जगह आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप लोग केचप का भी यूज कर सकते हैं। इसमें मसाला बन लेंगे, ओह माय गॉड क्लियर बोलिए ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कमेंट्री चल रही है लेडीजों की, इनको कम कम चाहिए होता है।
ये देखिए ये सारी रिंग्स को नितिश ने अच्छे से फिल कर लिया है और अब इसमें डालेंगे ऊपर से मोजरेला चीज। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा चीज डाल देंगे सबके ऊपर। ये हमने घी लगा दिया है, इसमें घी हो बटर हो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपके घर में हो। अब ये हमारे अपने डिस्क को उठाएंगे आराम से और इसमें प्लेस करेंगे वन बाई वन। दोनों हाथों से उठाओ उसको उधर रख दो। बिल्कुल प्यार से प्लेस करें वरना ये डिस्क बीच से टूट जाएंगे, आपका म्यूजिक नहीं बजेगा, स्लिप डिस्क हो जाएगा। ये माइक्रोवेव का स्विच करा मैंने ऑन, प्लेट करी अंदर शिफ्ट, डोर करा मैंने बंद, ग्रिल करा मैंने ऑन, बनाया 10 मिनट और ये चिन्ना क्या खा रही हो हैं? तुम चीजी वो खा रही हो, चीजी डिस्क पापा के हाथ की बनी हुई पनीर टिक्का। हाँ सुन यार बहुत अलग सा है, अच्छा लग रहा है, बाहर कहीं वैसे में बैठ के खा रही हूँ, घर का बना हुआ। कुकी भी खा रही है, यम्मी हो रही है कुकी। आप लोग भी ट्राई करिए, रेसिपी बहुत ऑसम है, लिटरली बहुत अच्छी है।